डॉक्टर बाईएस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के एक्रिप सेंटर को देशभर में बेस्ट सेंटर के अवार्ड से नवाजा गया। हाल ही में तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में देशभर के ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट सेंटर की वार्षिक बैठक के दौरान ICAR द्वारा नौणी विश्वविद्यालय के सेंटर को यह अवार्ड दिया गया। नौणी विश्वविद्यालय के सेंटर को यह अवार्ड देश भर के 31 एक्रिप सेंटर में से दिया गया। आपको बता दें कि सेंटर को यह अवार्ड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी विकसित करने, मशीनरी को विकसित करने, विभिन्न तकनीकों का विस्तारीकरण करने एवं सेंटर द्वारा विकसित तकनीकों को व्यवसायीकरण करने के लिए किए गए सराहनीय कार्यों के लिए दिया गया है। वहीं सेंटर की इस उपलब्धि पर विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अंजु धीमान ने एक्रिप सेंटर नौणी टीम के सदस्यों डॉक्टर देविना वैद्य, डॉक्टर मनीषा कौशल व डॉक्टर अनिल गुप्ता को उनकी इस उपलब्धि पर बधाई दी और उम्मीद जताई है कि ये टीम इसी तरह के सराहनीय कार्य करती रहेगी जिससे किसानों बागवानों को लाभ मिल सके। वहीं डॉक्टर देविना वैद्य ने बताया कि हाल ही में तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में देशभर के ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट सेंटर की वार्षिक बैठक के दौरान नौणी विश्वविद्यालय के सेंटर को यह अवार्ड दिया गया। नौणी विश्वविद्यालय के सेंटर को यह अवार्ड देशभर के 31 एक्रिप सेंटर में से दिया गया है। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन PHET सोलन सेंटर को देश में सर्वश्रेष्ठ सेंटर आंका गया हुआ है। हाल ही में 12 से 15 मार्च 2019 को तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट के सेंटर्स जो है हमारी 31 उनकी वार्षिक वर्कशॉप हुई, जिसमें कि हमें अपनी साल भर की उपलब्धियों को वहां पे प्रस्तुत करना था। हर एक सेंटर के द्वारा अपनी उपलब्धियों को वहां पे प्रस्तुत किया गया कि कितने उन्होंने प्रोजेक्ट किए, कितना उन्होंने रिसर्च किया, कितना उन्होंने उसको डिसेमिनेट किया, कितनी उन्होंने प्रोसेस डेवलप किए, कितना उन्होंने मशीनें बनाई, उसके बारे में पूरी जानकारी दी। उसके बाद वहाँ पे जो एक्सपर्ट्स बैठे हुए थे वहाँ पे उन एक्सपर्ट्स के द्वारा हर एक सेंटर को इवेलुएट किया गया और उसी आधार पर 31 सेंटर जो कि पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं उनमें से डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री में जो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सोलन सेंटर जो है उसको सर्वश्रेष्ठ आंका गया है और ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का पल है। यह अवार्ड देश से विभिन्न 31 सेंटर्स में से सेंटर को चुना गया है। इस सेंटर को चुनने के लिए विभिन्न बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है, जैसे प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी डेवलप करना, मशीनरीज को विकसित करना, टेक्नोलॉजीज का विस्तार करना, जैसे फार्मर्स में, किसान भाइयों और बहनों में, एंटरप्रेन्योर्स में विस्तार करना, तथा कमर्शियलाइजेशन दैट इज व्यावसायिकरण करना जो भी टेक्नोलॉजीज हमने विकसित की है। मैं अपनी तरफ से इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे सभी वैज्ञानिकों, स्पेशली डॉक्टर देविना वैद्य, डॉक्टर मनीषा कौशल, मिस्टर अनिल गुप्ता, इन सबको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ।